इसको खिलाना कैसे है, जैसे 120 दिन पे हमारी फसल पक रही है तो उसे आपसे 10 से 15 दिन पहले इसकी पत्तियां आप काट के 2 से 3 इंच ऊंचाई से काट के आप खिला सकते हैं पशुओं को। और जो रही बात जड़ की, तो जड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पशुओं को खिलाना होता है। एक बात और कि ये इसकी जो अधिकतम जो वजन होगा वो 5 से 7 किलो तक भी हो सकता है। इस प्रकार अगर 1 हेक्टेयर से 65 से 100 टन मतलब 650 से 1000 क्विंटल हरे चारे का उत्पादन जड़ों के रूप में या पत्तियों के रूप में हम आसानी से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें बीज की कितनी जरूरत पड़ेगी, कौन सी हम किस्में लें। तो इसमें हमारे संस्थान के द्वारा अभी तक कोई किस्म विकसित नहीं की गई है, लेकिन इसकी किस्में उपलब्ध है, प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है, और हमारे सहयोगी संस्थान लखनऊ जो है उनके पास जो एक इंसान जो उपयोग करते हैं, मानव उपयोग करते हैं चुकंदर, उसकी किस्में भी, उसको भी इसके रूप में उपयोग किया जा सकता है। जो इंसानों के लिए जो चुकंदर है, ये वाली चुकंदर है, इसका उत्पादन 300 से 400 क्विंटल होता है, और ये जो पशुओं के लिए हम जो उपयोग करते हैं चुकंदर, इसका 650 से 1000 क्विंटल तक उत्पादन मिलता है। और बड़े पशुओं को 10 से 15 किलो प्रतिदिन के हिसाब से प्रति पशु देना है, और छोटे पशु जैसे भेड़ और बकरी उनको 4 से 5 किलो आप रोज दे सकते हैं। 7 से 8% शुगर होती है, शर्करा होती है, और 15% इसमें शुष्क पदार्थ होता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर पशु को हम जड़े खिलाते हैं तो पशु को पानी की आवश्यकता भी कम होगी, क्योंकि इस जड़ में लगभग 85% पानी है। गर्मियों के दिनों में हम खिला रहे हैं तो पशुओं को गर्मियों में पानी भी कम देना होगा।